आपका स्वागत है। मैं चेयरमैन मिस्टर एमडी हैगा मार्को स्मॉल। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं फ्री वाईफाई बिल्कुल सिंपल तरीके से। चलिए अब शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। क्या सामान चाहिए? एक मैग्नेट चाहिए, इससे छोटा मैग्नेट भी चल जाएगा। मेरे पास ये बड़ा मैग्नेट पड़ा था। और आपको एक चाहिए, एक चार्जिंग के लिए होता है ना मेल कनेक्टर, ये वाला, ये है। और दो ब्लेड ले लिए मैंने, ये मेरे पास है, दो ब्लेड ले लिए। और एक छोटा सा वायर है, ये दोनों को ब्लेड को कनेक्ट करने मेरे काम आएगा। मैं फटाफट बताता हूँ। तो इसके अंदर नेट आ गया, एकदम बढ़िया तरीके से, बढ़िया चल रहा है ये। पहले अब मैं आपको एक बार प्ले स्टोर भी चला के बता दूंगा। देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। ये प्ले स्टोर है, मैं आपको प्ले स्टोर भी एक बार ऑन करके बताऊंगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और ऊपर कोई भी वाईफाई वगैरह किसी से भी कनेक्ट नहीं है, केवल ये इससे ही कनेक्ट हो रखा है। जैसे हटाऊंगा ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप, इसके अंदर आ गया ट्राई अगेन, यानी कि हॉटस्पॉट गया। ये पहले का ही है, अगर आप यूट्यूब भी चला के बताऊँ तो उसमें भी पहले का ही आ गया था। आप देख सकते हैं YouTube के अंदर भी ये पहले का ही आ रहा है, मतलब ऑफलाइन आ गया है। आपको बताता हूँ ये ट्रिक रियल है या फिर फेक। ये एकदम फेक है। मैंने ये काफ़ी सारी वीडियो देखी थी YouTube पे, तो उसके अंदर आपके अंदर जैसे ये मेल कनेक्टर लगाते हैं इसके अंदर USB केबल ये फ़ोन के अंदर, तो उसके अंदर लगाते ही ऑटोमेटिक वो आ जाता है, नेट आ जाता है इसके अंदर। और मैंने ऐसा ट्राई करा पर इसमें नेट नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ ये ट्रिक क्या इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देता कि आप ये मेल कनेक्टर फ़ोन के अंदर लगाएं, क्योंकि आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। मैं आपको बिल्कुल टेस्ट करके बताऊँ अच्छी तरह, क्योंकि मेरा टेस्ट करके आपको बताना ज़रूरी है। और इससे आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं दोनों वायर फ़ोन में से जा रहे, तो आपका फ़ोन ख़राब भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ करते कैसे। ये सिंपली एक क्लीन स्टेटस बार नाम का ऐप है, अभी आप ऊपर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली एक ब्लैक कलर की पट्टी है। अब मैं जैसे इसको ऑफ करूँगा ना, तो ऊपर आप देखना, तो आप देख सकते हैं वाईफाई से कनेक्ट, तो वो भी ऐसे वाईफाई से कनेक्ट करके और ये ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं। फिर इसको ऑन करेंगे, देख सकते हैं ब्लैक कलर की पट्टी आ गई। वो ऐसे ही करते हैं, फिर इसको दूसरा फ़ोन होता है ना जिसका हॉटस्पॉट, तो उसका हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं उसी टाइम, जिस टाइम ये केबल लगाते हैं ना फ़ोन के अंदर, फिर आपको ऐसे टेस्ट करके बता देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर वाईफाई अभी आ रहा है ऊपर, और मैंने इसका केबल भी कनेक्ट नहीं कर रखी है। फिर मैं एक बार यूट्यूब चला के बता दूंगा आपको। अब आप देख सकते हैं यूट्यूब चल गया बिल्कुल, वो फेक तरीका बता दे बिल्कुल। वी क्लियर स्टेटस बार, अब मैं इसको बंद कर दूंगा, अब मैं आपको YouTube चला के बताता हूँ। और देख सकते हैं YouTube चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से।
कुछ भी नहीं है, खाली ऊपर ब्लैक कलर की पट्टी आती है और कुछ भी नहीं है ऐप में। तो देखिए आपको समझ आ गया हो कि ये रियल है या फेक है, क्यों मैंने इसको अच्छे से टेस्ट करके बताया, क्योंकि मैंने कई सारी इस पर यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी थी इसके, यानी हजारों में बहुत वीडियो इसकी मैंने स्क्रॉल कर बहुत सारी वीडियो थी इसकी। फिर मैंने क्या करा, एक दो वीडियो और थी कि भाई ये रियल है फेक, मैंने एक बार रिसर्च वगैरह की तो एक ऐप निकल के सामने आया है कि एक स्टेटस बार नाम का ऐप है जो क्या करता है, एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगा देता है, तो इसमें क्या होता है जैसे वाईफाई नेट वगैरह तो इन सब का है ना बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है। तो इसके अंदर करते क्या है, जैसे ये वाला फ़ोन है जिसके अंदर टेस्ट करके बताते हैं, उसके अंदर USB की पिन लगाई तो उसके अंदर फिर क्या करते हैं बैकग्राउंड में वो चलता रहता है वाईफाई। तो ये दूसरा फ़ोन है तो उसके अंदर हॉटस्पॉट ऑन कर देते हैं इधर का और इधर से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ही पिन लगाई तो इधर से ऑन कर देते तो इधर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है, फिर आपको इसके अंदर नेटवर्क ऑन करके बताते हैं, फिर वो पिन हटाए थे इधर से हॉटस्पॉट बंद कर देते, बस ऐसा ही होता है। फ्री वाईफाई वगैरह कुछ भी नहीं होता है, अगर ये फ्री वाईफाई वगैरह मिल रहे होते तो लोग बाग सिम वगैरह क्यों खरीदते, फिर उसके अंदर रिचार्ज 250 रुपये का रिचार्ज ही क्यों कराते, सब ऐसे ही काम हो जाता ना, ये कुछ भी नहीं है फेक है। तो अब वो पिन से क्या होगा कनेक्शन हो जाता तो आपका फ़ोन के अंदर भी खराबी होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पिन ना कनेक्ट करें, क्योंकि मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंपली ऐप के थ्रू ही करते हैं। क्योंकि आपको पता है मैं एकदम रियल वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपको एकदम सही वीडियो और सही कंटेंट दूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।